दिशा निर्देश में जो बदलाव किया है वो बहुत जरूरी है हम लोगों को जानने के लिए, क्योंकि आप सब किसी न किसी एक टॉपिक पे, किसी न किसी एक सब्जेक्ट में अपना पेपर तैयार करेंगे। मनीष जी, कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या आप? एनीवेज, मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। हमें जानना जरूरी है, यूजीसी ने एमफिल, पीएचडी, इन सबों के लिए नए नए दिशा निर्देश दिए हैं। इस पे आप चाहें तो भारत सरकार का जो गैजेट है आप उसको भी देख सकते हैं। ये गैजेट का डेट है 5 मई 2016 का ये गैजेट है। इस गैजेट के आधार पे यूजीसी ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं, फिर यूजीसी ने इस गैजेट को फिर अमेंड किया, जिसको 16 अक्टूबर 2018 में यूजीसी ने इसमें थोड़ा सा बदलाव किया। मैं डेट्स इसलिए लिख रहा हूं आप लोगों के लिए सुविधा के लिए, जो अगर आप चाहें तो नेट पे से देखें, चाहें नहीं मेरा आप लोगों से आग्रह होगा जो जरूर से आप उसको देखें, क्योंकि अगर ये आपको पता नहीं रहेगा तो फिर आपको दिक्कत होगी। आप लोग खुशकिस्मत भी हैं और मैं कह सकता हूं आप लोगों को स्ट्रगल भी ज्यादा करना पड़ेगा अब पीएचडी करने में, इसलिए क्योंकि यूजीसी ने जितने भी दिशा निर्देश हम लोगों को दिए हैं या यूनिवर्सिटी को प्राप्त हुए हैं उस आधार पे आप लोगों ने प्री पीएचडी तो क्वालिफाई कर लिया। अब आप लोगों को उसके आधार पे सारे पेपर्स, सारे रिसर्च पेपर सबमिट करने होंगे। इसके लिए सबसे जरूरी चीज जो आप लोगों के लिए जरूरी है, जो आप लोग एमए पास हो वो आप सब हैं, ठीक है, और थीसिस सबमिशन से पूर्व आपको कम से कम 2 सेमिनार या वर्कशॉप अटेंड करने होंगे, बगैर उसके आपका काम नहीं चलेगा। अगर आपने नहीं किया तो फिर आप फंसेंगे। आपका एक रिसर्च पेपर इंडेक्स जर्नल में रहना चाहिए, यहां मैं रिपीट कर रहा हूं, इंडेक्स जर्नल या यूजीसी ने जिस जर्नल को मान्यता दी है। हम लोगों के बीच एक अवधारणा है जो हम सब आईएसएसएन नंबर मान के चल जाते हैं, आईएसएसएन में पब्लिश करा लिया सर तो हो गया, ऐसा नहीं है। अगर आपने आईएसएसएन में पब्लिश कराया और आपका इंडेक्सिंग नहीं है या स्कोपस जर्नल नहीं है, यूजीसी द्वारा जो चयनित जर्नल्स हैं, तो फिर आपको दिक्कत होगी। ये सारे पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं आप लोगों को जानने के लिए, क्योंकि यूजीसी के जो रेगुलेशंस नए नए आए हैं उस आधार पे जब आप फाइनल सबमिशन के लिए जाएंगे तो कम से कम आपके पास 2 रिसर्च पेपर जिसमें गाइड का नाम हो प्रेफरेबली, ये एक्चुअली आपके एचओडी डिसाइड करेंगे जो उस रिसर्च पेपर में गाइड का नाम होगा कि नहीं होगा। अब वो आपके थीसिस से कोरिलेट करता है कि नहीं करता है, अगर इसमें से कोई भी डिफरेंस आया, कहीं भी कोई ऐसा आ गया जो विभागाध्यक्ष या विभागीय परिषद को लगा जो आपका रिसर्च पेपर थीसिस से मिलता जुलता नहीं है, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, आपकी थीसिस आगे नहीं बढ़ेगी। अब उस समय आप कितनी भी प्रयास कर लें आपका काम नहीं होगा, ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए जानना। ये सब चीजें तो चलती रहेंगी, जो विभागीय विभागाध्यक्ष महोदय हैं वो लोग स्वयं इसको अब तरीके से देख रहे हैं और देखते भी रहे हैं। विश्वविद्यालय ने अधिनियम 2017 को प्रकाशित कर दिया है और उसके बाद भारत सरकार का जो गैजेट आया उसको आधार मान के ही आपको अपना रिसर्च वर्क करना है।
क्योंकि अगर आपने अधिनियम 2017 के आलोक में कार्य नहीं किया, क्योंकि वो अब नोटिफाई हो गया, आप लोग संभवतः फर्स्ट बैच होंगे जिसको अधिनियम एग्जैक्टली 2017 और गैजेट ऑफ इंडिया के आधार पे अपने थीसिस, अपने साइनोप्सिस जमा करने होंगे, क्योंकि अगर इसमें से कहीं भी कोई गड़बड़ी हुई, चूक हुई, तब फिर समस्या हो जाएगी आपको। आप पूरा रिसर्च वर्क कर लेंगे 2-3 साल में और अंत में आपका रिसर्च डिग्री आपको नहीं मिलेगी। अब उस समय कोई पैरवी काम नहीं करेगी, कोई पैरवी नहीं काम करेगी, क्योंकि वो सिस्टम चेक होगा और अगर सिस्टम में कहीं भी गलती मिली तो ऑटोमेटिक सारा कुछ रिजेक्ट हो जाए। इसलिए ये मेरा एडवाइस होगा, रिक्वेस्ट होगा पर्सनली अपनी तरफ से भी और विश्वविद्यालय की तरफ से भी, जो पेपर ठीक से चुने। गाइड तो विभाग अध्यक्ष आपको अच्छे देंगे, दे ही रहे हैं, हमारे सारे गाइड्स बहुत अच्छे हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करें और उसको ठीक से लिखें। अब जब मैं लिखने की बातों पे आ रहा हूं, तो संभवतः आप लोगों में से बहुत लोगों ने इस शब्द को के बारे में जाना होगा, प्लेगियरिज्म। अगर किसी ने भी जाना है तो कृपया हाथ जरूर उठाएं, जिससे हमें पता तो चले जी भाई। क्या किसी ने, आपने जाना है? ग्रीस जी, प्लेगियरिज्म ये ऐसा शब्द है जो आप लोगों में से बहुत ने नहीं जाना। एक संभवतः चंदन जी को मैं देख रहा हूं जिन्होंने इस बारे में हाँ कहा, ये ग्रीस जी हैं जिन्होंने ऐसा कहा। ये एक ऐसा शब्द है जिसपे आपकी सारी की सारी मेहनत एक मिनट में पानी पानी हो जाएगा, कहीं का नहीं रहेगा आपका केसेस। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गैजेट है 2018 का, इसके आधार पे 23 जुलाई 2018 का ये गैजेट है, इसके आधार पे आप सबों की थीसिस, आप सबों की साइनोप्सिस जांच होगी। क्योंकि आप लोगों में से बहुत कम लोग जानते हैं, संभवतः साहित्यिक चोरी के बारे में मैक्सिमम लोग अब जानते होंगे। साहित्यिक चोरी, साहित्यिक चोरी एक ऐसी चोरी है जिसके लिए कोई एक्सक्यूज आप लोगों को नहीं मिलेगा, आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, कुछ नहीं, सीधा रिजेक्शन है। इसके लेवल्स है, मैं उस लेवल्स पे भी आता हूं धीरे धीरे, एक एक करके मैं उस लेवल्स पे आ रहा हूं। इसके आधार पे अगर आपने किसी का साइनोप्सिस लिया, किसी विद्वान का, पूर्व शोधार्थी का ले लिया, या किसी रिसर्च स्कॉलर जो पहले उन्होंने कर चुके हैं, लाइब्रेरीज हम लोग क्या करते हैं आज के डेट में, लाइब्रेरी जाते हैं, कुछ ना कुछ डेटा उठा के चले आते हैं, किसी थीसिस का कॉपी करवा लिया, कॉपी पेस्ट मार लिया। उस समय हम इसको जानते नहीं है जी भाई ये कहां से आया, कैसे आया, मगर आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने कोई भी थीसिस लिया और उसकी बगैर जांच कराई आपने थीसिस सबमिट कर दिया और वो साहित्यिक चोरी में पकड़ी गई, तो आपकी सारी मेहनत तो जाएगी ही जाएगी। उस समय कुलपति महोदय भी लाचार हो जाएंगे, एक बात। दूसरी चीज, जब आपकी थीसिस सबमिट होगी तो यूजीसी के रिपोजिटरी में जाके थीसिस को आपको अपलोड करवाना होगा, क्योंकि भविष्य में अगर यूजीसी डिपॉजिटरी में अगर आपने इसको अपलोड नहीं करवाया तो भविष्य में आज से 2-4 साल के बाद आपकी पीएचडी पे प्रश्न चिन्ह उठ जाएगा। लोग कहेंगे जो भाई इसने पीएचडी
किया भी है कि नहीं किया है, ये क्वेश्चन आप लोगों के साथ शुरू हो जाएगा वहां पे। अब क्वेश्चन हो सकता है जो इसके आधार पे हम अपनी साइनोप्सिस और थीसिस कैसे तैयार करें। हम सजा की बात बाद में करेंगे, पहले तो हम इससे कैसे बचे हम इसकी बात पहले करेंगे आप लोगों से। सबसे पहली चीज, आप लोग नॉर्मली बहुत सारे फॉन्ट यूज करते होंगे, कोई डेवलिस करता होगा, कोई कुर्ती देव करता होगा, कोई वॉकमैन चाणक्य करता होगा, मैक्सिमम लोग आप लोग यही फॉन्ट्स यूज कर रहे होंगे। मैक्सिमम नहीं, मैं कह सकता हूँ 99.9% लोग अगर हिंदी टाइप कहीं भी कराते हैं मार्केट में तो आप लोग इसी फॉन्ट पे काम करते हैं। अगर अब आपकी थीसिस या आपकी साइनोप्सिस इन सबों में से किसी एक फॉन्ट पे भी आएगी तो उसका पहला रीजन हो वो क्या हो जाएगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा, सीधा रिजेक्ट। मतलब उसको हम लोग, आप पीएचडी सेक्शन में सबमिट करोगे, वो डिपार्टमेंट में आएगा, डिपार्टमेंट में रिजेक्ट होके वापस चला जाएगा, कोई पढ़ेगा भी नहीं उसको। एकदम क्लियर। इसीलिए ये टॉपिक मैंने कोऑर्डिनेटर महोदय से कह के रिक्वेस्ट किया जो सर मुझे यही दीजिए, मैं कोई और टॉपिक भी ले सकता था, क्योंकि अभी इस चीज का कोऑर्डिनेटर मैं ही हूं और इसीलिए मैंने इनसे कहा जो आप यही टॉपिक दीजिए जिससे सब थीसिस लिख लेंगे, सब साइनोप्सिस तैयार कर लेंगे और सबका रिजेक्ट मैं एक मिनट में करवा दूंगा। आप लोगों को सिर्फ एक ही फॉन्ट यूज करना है, वो है यूनिकोड। अब आप एरियल यूनिकोड करें या मंगल करें, ये चॉइस आप लोगों के है। तो पहला क्वेश्चन उठता है जो आखिर यूनिकोड में टाइप करके हमें क्या फायदा होगा, सिर्फ परेशानी बढ़ेगी और तो कुछ होगा नहीं। नहीं, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले कहा, जो ये शोध गंगा में जाएगा, ये शोध गंगा वेबसाइट है, मैं वो लिंक शेयर कर दे रहा हूं आप लोगों से, एक मिनट। अगर आपके थीसिस इस वेबसाइट पे अपलोड नहीं है फाइनली, तब तो फिर दिक्कत है, तब आप कुछ भी कर लोगे कुछ नहीं होगा, फ्यूचर में आपके डिग्री पे प्रश्न उठ जाएगा। ये यूजीसी का डिपॉजिटरी है सर। वेबसाइट का एक बार फिर से स्क्रीन पे देंगे वो लिंक, मैंने चैट में लिखा हुआ है, मैं फिर से दे देता हूँ, देख लीजिए, आप चैट खोल के देख लीजिए। वो कोऑर्डिनेटर महोदय आपको दे देंगे, सर के पास चला गया, उनके पास है, ठीक है। दो तरह का वेबसाइट है, यूजीसी का डिपॉजिटरी है, मैं वो भी दे देता हूँ। एक मिनट, दूसरा है ये शोध गंगोत्री, मेन है आप लोगों के लिए शोध गंगा, ये याद रखिएगा। आपकी जो साइनोप्सिस होगी वो शोध गंगोत्री पे जाएगी। ये बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप
इसको नहीं करते हो, अगर आप इसको ठीक से नहीं देख रहे हो या कुछ सोचते हो जो भाई हो जाएगा, गुरुजी हैं कर देंगे, तो बहुत जगह हम लोगों भी लाचार हो जाते हैं, नहीं कर पाते हैं उसको, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, ये ऐसा सिस्टम है, वो नहीं कर पाएंगे। सर भी चाहेंगे, कोई भी चाहेगा, मैंने क्या कहा, कुलपति महोदय चाहेंगे तो भी नहीं हो पाएगा, ऐसा ऐसा ये मामला है अब तो। अब क्वेश्चन उठता है, जैसे सर आपने इतना भारी तो दिखा दिया, इससे बचे कैसे? ये सबसे बड़ी जरूरी चीज है, बचना जरूरी है। बचने का बहुत सिंपल सा उपाय है, बहुत आसान। बचने का बहुत ही सिंपल उपाय है, कुछ नहीं है इसमें। अगर आपने साइनोप्सिस लिखी, अरे यार तुमने अपने चोरी कर ली, मैं फ्रैंकली बोलता हूं, यदुवीर सर अपलोड नहीं कर दीजिएगा भाई, फंसा नहीं दीजिएगा, आपने चोरी कर ली, जरूर जरूर अपलोड नहीं कीजिएगा, मैं कहता हूँ चोरी कर ली भाई, फंस जाएंगे अपन जरूर। आपने मान लो चोरी कर ली, छोड़ दो, यदुवीर सर की ही थीसिस आपने चोरी कर ली, क्यों मेरी तो कर नहीं पाओगे, ठीक है, कुछ नहीं करना, सर की थीसिस लेना, इन्होंने जो साइनोप्सिस अपना मूल लिखा है उसका लैंग्वेज बदल देना यार, नहीं फंसोगे। थीसिस लेना, उसका एक एक लाइन, भाई राम घर आता है या राम घर की तरफ जाता है, ये दो शब्द हो गए, कंप्यूटर नहीं पकड़ेगा इसको, ठीक है भाई। आप लोग स्वयं व्याकरण वाले, साहित्य वाले हो, भाषा को कैसे तोड़ा मरोड़ा जाता है वो आप लोग मेरे से अच्छा जानते हैं भाई, हम लोग तो सीधा भाग जाते हैं, कभी कभी फंस जाते हैं जाके। तो मगर हाँ, उसके लिए एक काम जरूरी है, थीसिस पढ़ना पड़ेगा, साइनोप्सिस पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप थीसिस नहीं पढ़ोगे, साइनोप्सिस नहीं पढ़ोगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि थीसिस साइनोप्सिस कोई बच्चा अगर नहीं पढ़ता है, मैंने आप लोगों शुरू में ही कहा था, ये आप लोग लकी हैं जो संभवतः ये फर्स्ट बैच निकलेगा जिसकी थीसिस यूजीसी पोर्टल पे जाएगी, इससे पहले आज तक यूनिवर्सिटी का नहीं गया है। इसमें मैं ये देखना चाहूंगा जो आप लोगों में फर्स्ट कौन करता है, मुझे खुशी होगी। पहले भी सर बहुत गया है, हम लोगों ने देखा था शोध गंगा पे, यूनिवर्सिटी ने अपने पोर्टल से नहीं किया है वो, आई डोंट नो बट आई सी, नहीं नहीं वो है, यू आर राइट इन दैट केस, लाल बहादुर शास्त्री हैज अपलोडेड फ्यू डेटा, संस्कृत संपूर्णानंद हैज अपलोडेड दोस डेटा, देयर आर मेनी, यस बट नॉट फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, मैंने 2017 में देखा था, बहुत हाँ, नहीं, नहीं, है, 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 वो है, वो है, यू आर ट्रू, यू सही है, अभी लाल बहादुर शास्त्री ने चार किया है, फिर राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान ने कई किया, संपूर्णानंद में कुछ ने किया है, और तिरुपति ने किया है जी, मैंने तिरुपति से देखा था सर, हाँ हाँ किया है, किया है, मैंने वो, मैं जानता हूँ, मैं अभी इस यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, जी जी जी, मैं इस यूनिवर्सिटी की बात अभी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो KSDSE को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ना, थैंक यू थैंक यू, उनकी बात मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो सही है, इसीलिए आपने जो कहा हेमंत जी, जो है ये सही बात है, है, और इसीलिए इसका जांच अब आसान हो जाएगा, जिनका पहले चला गया, अगर आपने कहीं से कुछ उठाया या किसी ने, मान लीजिए हमने, हम लोग थीसिस लिखते हैं, और आज के डेट में लोग क्या करते हैं, आज के पहले भी लोग करते रहे हैं, लोग किताब उसकी पब्लिश करवा लेते हैं, मैं उनका राइट है, करेंगे, आप भी करोगे, और अब लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों को मैंने देखा है, अच्छा है, वो भी मैंने भी किया है, भाई मैं क्या कहूँ, गलत करते हैं भाई, क्या करते हैं, उसका डिजिटल वर्जन, दैट इज ई बुक जिसको हम कहते हैं, वो अपलोड कर दिया,
तो अगर कहीं पे भी वेबसाइट में वो लाइन है, कहीं भी वर्ल्ड के किसी भी इंटरनेट पोर्टल पे वो लाइन है, वो डेटा है, वो चोरी हो गई। तो चोरी से बचने का एक सिंपल उपाय है, आप उनको कॉपीराइट दे दीजिए, कॉपीराइट उनकी मत लीजिए, उनको आप एक्नॉलेज कर दीजिए। अगर आपने एक्नॉलेज कर दिया तब तो ठीक है, और अगर आपने एक्नॉलेज नहीं किया तब फिर फंस गया। अब आप कहोगे सर हम एक्नॉलेज कैसे करेंगे, आप लोगों के साथ पॉजिटिव एंड है जो बहुत डेटा नहीं है। एक सेकंड, आप लोगों के साथ पॉजिटिव एंड है जो बहुत डेटा वेबसाइट पे नहीं है, तो थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ सकती है। जिनका डेटा बहुत है, जैसे आप इंजीनियरिंग सेक्शन वाले, मेडिकल वाले, इन लोगों का अनलिमिटेड डेटा है। वो राम इज गोइंग, राम इज कमिंग, दोनों में वो फंस जाते हैं बेचारे जाके। आप लोग अभी इसमें लकी हैं, कम डेटा है, आप डेटा अपलोड कर सकते हो। अब इसमें है जो भाई कौन आगे बढ़ के कर लेगा। मैंने कहा जो कॉपीराइट की मैंने बात की यहाँ पे आप लोगों से, कॉपीराइट का मतलब होता है जो मैंने कुछ लिखा, मैंने उसको नेट पे दे दिया, या मैंने किसी पब्लिशर को दिया प्रिंट के लिए, तो पब्लिशर आपको कहेगा जो सर आप मुझे जो प्रिंट का कॉपीराइट दे रहे हो, आपने कहा हाँ, मगर मालिक उस रिकॉर्ड का था, मैन्युस्क्रिप्ट का कौन हुआ, आप हुए, क्योंकि लिखा है किसने, तो आपने लिखा है। अब उस मैन्युस्क्रिप्ट को अगर कोई पब्लिशर बेचता है तो आपने उसको पावर दिया, जैसे विश्वविद्यालय पंचांग पब्लिश कराती है, वो किसी पब्लिशर को, किसी प्रिंटर को कॉपीराइट देती है कि तुम मुझे फलना रुपए दे दो और तुम इसको मार्केट में बेच लो। क्योंकि विश्वविद्यालय तो बेचने जाएगी नहीं घर घर, वो तो वेट करती है भाई कोई आया, पब्लिशर आया, जो ज्यादा बिड किया, जो ज्यादा पैसा दिया, क्योंकि वो कॉपीराइट किसका है। मगर विश्वविद्यालय उसके साथ एक बात और करती है, उसको सिर्फ एक साल का कॉपीराइट दिया जाता है। हम किसी पब्लिशर को ये नहीं कह सकते जो विश्वविद्यालय का ये है तुम 5 रुपया हमें दे दो और जब तक विश्वविद्यालय है तुम उसको पब्लिश करते रहो, प्रिंट करते रहो। नहीं, विश्वविद्यालय उसको एक साल के लिए देते। विश्वविद्यालय अगर उसको अमेजोन को देगी बेचने के लिए ऑनलाइन, तो पब्लिशर जो लोकल होगा उसको कॉपीराइट देगी टेक्स्ट का, दैट इज प्रिंटेड कॉपी के लिए, और अमेजोन को वो दे देगी ई बुक, ई पब्लिशिंग। अभी विश्वविद्यालय ने नहीं दिया है इसीलिए वो अभी खाली जाता है, क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट के मालिक आप हो। और साहित्यिक चोरी या यूजीसी रेगुलेशन 2016 मात्र इसीलिए इंप्लीमेंट किया गया जो बच्चे कम से कम थीसिस को पढ़े। और ये कब आया, इनफैक्ट मैं बता दूं आप लोगों को, बड़ी एक इंटरेस्टिंग कहानी है इसकी। राजस्थान में एक टाइम में पता चला जो बहुत लोगों को पीएचडी हो रहा है, फिर पता चला महाराष्ट्र में हो रहा है, फिर पता चला तमिलनाडु में हो रहा है। तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सर्वे कराया और कुछ इन्वेस्टिगेशन टीम गई और उन्होंने कहा जो नहीं सर ये बड़ा अजीब मामला है, हम इसको पकड़ ही नहीं पा रहे। उसके बाद 2018 में इसको लागू किया गया, रेगुलेशन 2016 में आ गया था, मगर चूंकि इसका सॉफ्टवेयर सब नहीं आया था मार्केट में, बहुत सारा चीज था जो नहीं आया था, तो फिर वो दिक्कत होने लगी। इस चोरी का एक ही उपाय है बचने का, थीसिस पर हो, क्योंकि अगर आपने नहीं पढ़ा, आपने ठीक से नहीं लिखा, तब तो भाई आप फंसोगे और उसमें आपको कोई नहीं बचाएगा, कोई नहीं। मतलब आप कितनी भी बार कोशिश कर लोगे, कोई नहीं आपको बचाएगा।
क्योंकि इसका मेन जो काम है वो काम है आपको पढ़ने की ओर प्रेरित करने के लिए, ना कि आपका काम है तंग करना। गवर्नमेंट ने इसको सिर्फ लागू किया जो बच्चे कम से कम पढ़े, यहाँ तो बच्चे पढ़ते ही नहीं थे। सर मैं एक सेकंड के लिए म्यूट हो रहा हूँ। हाँ सॉरी, मैं एक मिनट के लिए एक लाइन पे, मेरा जरूरी कॉल आ गया, ऑफिस से ही कॉल था जो मुझे वो उठाना पड़ा, सॉरी सर। क्या करते हैं, यदुवीर सर जानते हैं जो मैं बिजी फॉर नथिंग ज्यादा रहता हूँ, इसीलिए थोड़ी सी कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, प्लीज कंटिन्यू। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी चीज है आप लोगों के लिए भी, क्योंकि मैं इस टॉपिक को इसीलिए मैंने आज लिया। अब क्वेश्चन उठता है जी भाई, अगर चोरी पकड़ी ही गई तो हमारा क्या होगा? कुछ नहीं होगा, इतनी मेहनत पानी में चली जाएगी और कुछ नहीं होगा। अगर आप कहीं से किसी ग्रंथ से कुछ डेटा ले रहे हैं तो आपको उसको रेफरेंसिंग करना हो। संस्कृत में रेफरेंसिंग का कोई ऐसा पैटर्न संभवतः नहीं है, इंटरनेशनल पैटर्न की मैं बात कर रहा हूं। तो थोड़ा सा हमें अपने विभागाध्यक्षों महोदय से बात करके, उन लोगों को कन्विंस करके, कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है रेफरेंसिंग के लिए, जिसमें सबसे प्रचलित एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है रेफरेंसिंग का, वो है वैंकूवर स्टाइल। इसमें आप लोगों ने देखा होगा, मान लीजिए हमने किसी को वो किया, किसी का टेक्स्ट रेफर किया, और ऊपर में आप वन लिख देते हो छोटे में, अगर बड़े में वन है बगल में लिखा हुआ, अगर इस तरह से लिखा हुआ है तब ये हो जाएगा राम वन, और अगर इसी वन को स्मॉल करके एम के ऊपर कर देंगे तब वो हो जाता है वैंकूवर स्टाइल में वन, और उस चैप्टर के अंत में आपने उसको अटैच कर दिया जो आपने वो कहां से लिया। क्योंकि अगर आप उस हिसाब से उसको नहीं करोगे वैंकूवर स्टाइल से, तब फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। वैंकूवर स्टाइल एक इंटरनेशनल स्टाइल है जिसमें आप किसी भी चीज को रेफर कर सकते हो, क्योंकि अगर अगर आपने उस हिसाब से उसको रेफर नहीं किया तब फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। वैंकूवर स्टाइल से कैसे काम होता है वो आपको कोऑर्डिनेटर महोदय फॉरवर्ड कर देंगे, क्योंकि मैं वो लिंक अभी इस पर नहीं शेयर कर रहा हूं आप लोगों से। अब प्रश्न ये उठता है, जो आपने अगर साहित्यिक चोरी कर ली तो क्या सजा होगी? अगर कंप्यूटर ने आपके सारे चैप्टर्स को चेक किया, क्या सारे चैप्टर्स को चेक किया, और सारे चैप्टर्स मैं कह रहा हूं ऑल चैप्टर्स, और उसमें 10% तक अगर आप का पता चला जो आपने चोरी की, 10% तक अलाउड है, मतलब हुआ जो आपको कोई सजा नहीं, आप फ्री हैं। मगर मैं एक चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सारे चैप्टर्स की बात कर रहा हूं, मैं सारे अध्यायों को
जब मिला के समेकित रूप से जांच होगी तब पता चलेगा जो वो 10% है या वीडियो उसी में सब दिखाएगा। ठीक है, सारे चैप्टर्स को मिला के अगर 10% तक है तो आपकी थीसिस एज इट इज कंटिन्यू कर जाएगी। अगर 40% तक है, 10 से 40, कम बेस होगा तब ये गया। हाँ। फिर छुपिए, आवाज बंद कर लीजिए। ठीक है, जिनका दूसरा बड़ा लग रहा है, गुम हो गया। आवाज बंद कीजिए, अपनी आवाज को म्यूट कर लीजिए, उसके बाद काम कीजिए श्रीमान। तो लोग दूसरे लोग गलत आदमी जुड़ गए हैं इसमें। अगर 10% से 40% तक आपका पकड़ाता है तो इसको हम लोग कहते हैं लेवल 2। लेवल टू मैं लिख देता हूं, 10 से 10%, 240%, ये आपका हो जाता है लेवल 2। इसमें आपको अधिकतम 6 महीना का टाइम दिया जाएगा और कहा जाएगा कि भाई आप अपनी थीसिस को सही कर लो। मैंने शुरू में ही कहा कि अगर आपने यूनिकोड में लिखा है तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, दैट इज मैक्सिमम 6 महीना आपको टाइम दिया जाएगा उसको सुधार करने के लिए। ठीक, अगर एक आपने कर लिया बहुत अच्छी बात है। अगर 40% से बंद हो गया, ये करेंगे तो स्टॉप हो जाएगा वीडियो, म्यूट लिखा हुआ है, फिर उसको छूटे स्टार्ट हो जाएगा। अपने अभी म्यूट ही लिखा है, हैं म्यूट ही लिखा है। वाह, अपना आवाज बंद रखिए, म्यूट रखिए, नया कनेक्ट हो रहे हैं तो म्यूट अभी रखिए, अनम्यूट मत किया कीजिए जब तक प्रश्न नहीं पूछना हो। प्रश्न पूछना हो अनम्यूट कीजिए, प्रश्न पूछिए। सीखने के लिए ये ग्रुप नहीं है, अभी सीखना हो पहले सीख लिया कीजिए। अगर आपने आपका सॉफ्टवेयर ने पकड़ा 40 से 60%, आपकी चोरी पकड़ी गई है, अगर उन्होंने कहा जो नहीं ये 40 से 60% तक है, ठीक है, तो आपको मैक्सिमम टाइम दिया जाएगा 1 साल का। अब इसे पहले भी कर सकते हैं, और कहा जाएगा जो 10% से कम करके लाइए, थीसिस जांच तभी होगी आपकी, फाइनली थीसिस डिग्री आपको तभी मिलेगी जब आपने उसको 10% से कम पे ले आए हैं। अगर 10% से 11% भी रहेगा तो वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ये बहुत जरूरी चीज है। और अगर 60% से ज्यादा हो गया, कोशिश कीजिएगा कभी ना हो, ये हो जाता है लेवल 4। अगर आपका 60% से ज्यादा हो गया तब आपका रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो जाएगा। सीधा हिसाब है इसमें, 60% से ज्यादा मतलब रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट, आपकी थीसिस आप फिर अपना अप्लाई कीजिए, फिर जो प्रोसेस होगा जो विश्वविद्यालय तय करेगा प्रोसेस उसी हिसाब से आपको काम करवाया जाएगा। इसीलिए
किसी भी हाल में 10% से कम पे ही आपकी दिया, कम मतलब 10% मिनिमम है, इससे कम पे ही आपके थीसिस की जांच होगी, नहीं तो आपकी जांच नहीं होगी। मैंने कहा शुरू में जो आपको दो वर्कशॉप, कम से कम वर्कशॉप शुरू में ही मैंने कह दिया था, या सॉरी एक मिनट, या सेमिनार अटेंड करने होंगे, कम से कम मिनिमम दो रिसर्च पेपर पब्लिश कराने होंगे यूजीसी रेफरी जर्नल में, कम से कम दो वर्कशॉप और दो रिसर्च पेपर यूजीसी रेफरी जर्नल में, अगर ये होना चाहिए आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, सब्जेक्ट में थीसिस रिलेटेड होना चाहिए, मतलब आप वर्कशॉप करने गए, आप व्याकरण के विद्यार्थी हैं और साहित्य में जाके आपने ज्योतिष पे लेक्चर देके आप आ गए, ठीक है, तो वो वर्कशॉप या वो सेमिनार आपका काउंट नहीं होगा। आप साहित्य में गए, अच्छी बात है, जाइए, मगर आपका टॉपिक व्याकरण से रिलेटेड, आपके थीसिस से रिलेटेड ही रहना चाहिए। अगर आपके थीसिस से वो रिलेटेड नहीं होगा, वो वर्कशॉप आपका काउंट नहीं होगा, वो डिपार्टमेंटल कमेटी चाहे तो उसको रिजेक्ट कर सकती है, मगर वो अधिकार विभागाध्यक्ष महोदय को है, डिपार्टमेंटल कमेटी को है। यूजीसी में रेगुलेशन पे सीधा बात करूं, क्योंकि बहुत सारे अधिकार विभागाध्यक्ष के पास है, वो बहुत सारे सबसे पावरफुल विभाग में कोई है तो वो विभागाध्यक्ष है, संकायाध्यक्ष है, विभागीय परिषद है, वो चाहे तो आपको उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। कम से कम दो रिसर्च पेपर मैंने कहा यूजीसी रेफरी जर्नल या स्कोपस जर्नल पे होना चाहिए। अब यहाँ हम लोगों में क्या है, ISSN नंबर जिसका है उसमें पब्लिश करा लो यार, हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा, कुछ भी आप कर लोगे नहीं होगा। स्कोपस का जर्नल होना चाहिए, इंटरनेशनल जर्नल हो तो बहुत अच्छा बात है, इंडेक्स जर्नल है, अगर यूजीसी रेफर नहीं भी है और इंडेक्स जर्नल है तो चलेगा, जर्नल का इंपैक्ट फैक्टर है, जर्नल का अपना कोई इंपैक्ट फैक्टर है तो वो जर्नल चलेगा। मतलब हुआ जो स्टैंडर्ड जब तक जर्नल नहीं होगा आपका नहीं हो पाएगा। मैं चैट में इसीलिए सारे पॉइंट्स को लिख रहा हूं, क्योंकि ये तो वर्चुअल क्लास फिजिकल क्लास नहीं है, थोड़ा सा दिक्कत आप लोगों को हो रही होगी तो लिख रहे होंगे तो अच्छा है, नहीं तो चैट ग्रुप को आप बाद में कॉपी भी करके रख सकते हैं अपना चाहे तो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको रिसर्च पेपर सबमिशन से पूर्व करना हो। जब आपका रिसर्च पेपर तैयार हो जाएगा तो सबसे पहले प्री पीएचडी वाइवा होगा, प्री पीएचडी वाइवा आपका होगा, इसमें आपको एक स्पाइरल बाइंडिंग लाना होगा और इसके साथ आप पेन ड्राइव या सीडी में डेटा दे सकते हैं। मैंने पहले ही कहा है फॉन्ट रहेगा ओनली यूनिकोड, पेन ड्राइव या सीडी में देंगे फॉन्ट रहेगा ऑलवेज यूनिकोड, और जब आप ये सबमिट करेंगे विभागीय परिषद में उसी समय आपके थीसिस की जांच होगी, दैट मींस उसी समय साहित्यिक चोरी की जांच होगी, और अगर उसमें चोरी पकड़ी जाएगी तो जैसा कि मैंने कहा 10% तक कुछ नहीं, 40 तक 6 महीना, 60 तक 1 साल, 60 से ऊपर रिजेक्ट,
तो ये विभागीय परिषद में जाने से पूर्व ही आप लोगों को यह सुनिश्चित कर लेना होगा कि भाई ये हमने चोरी नहीं की। और अब पेन ड्राइव में जो आप डेटा देंगे वो कैसे देंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है हम लोगों के। पेन ड्राइव में हम डेटा कैसे देंगे? तो पेन ड्राइव में जो डेटा हमारे पास आएगा वो पीडीएफ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल पहला क्या होता है, कवर पेज। कवर पेज का एक पीडीएफ बनेगा, गाइड का जो सर्टिफिकेट होगा उसका एक पेज बनेगा, एचओडी का जो होगा सर्टिफिकेट उसका एक पीडीएफ बनेगा, चैप्टर्स का अलग अलग पीडीएफ बनेंगे। दैट मीन्स अगर पांच चैप्टर है, फाइव चैप्टर्स है तो फाइव पीडीएफ। हम लोग अभी क्या करते हैं, पूरे थीसिस की एक पीडीएफ बना देते हैं और वो हम कहते हैं जो भाई हम जमा कर देते हैं। नहीं, सारे के अलग अलग चैप्टर्स बनाने होंगे हमें और उसके बाद ही हमारा थीसिस सबमिशन में जाए। अब वहीं पे आपकी जांच होगी, जो आप इसको चेक कर लें। अगर आप जमा करते हैं, जमा करने से पूर्व मैं आप लोगों से कहूंगा जो आप लोग स्वयं ऑनलाइन चेक कर लें जो इसमें कितनी साहित्यिक चोरी है। हाँ, कुछ खर्चा पड़ेगा, ऑनलाइन पोर्टल पे जाइए, बहुत सारे वेबसाइट हैं, वहां जाके इसको एक बार जांच जरूर लीजिए, क्योंकि वहां और डिपार्टमेंट में रिजेक्ट होगा तो फिर आपकी गिनती शुरू हो जाएगी। और आप अगर ऑनलाइन खुद चेक करके आ जाते हैं तो वहां आपको थोड़ा सा सुविधा रहेगा, डिग्री मिलने में भी आसानी होगी। ठीक है, ये सारी चीजें हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ऐसा ना, अगर आपने एक बार चोरी की फिर दोबारा आपने चोरी कर दी तो हर बार भारत सरकार के गाइडलाइंस के हिसाब से, भारत सरकार के राजपत्र के हिसाब से सजा फिक्स है। सजा फिक्स है क्योंकि अगर मैं रिपीटेड बोलता हूं उसका रीजन ये है जो भाई कुछ भी चीज हम लोग करें हंस ना जाए। आप लोगों में से किसी एक ने क्वेश्चन किया है जो टिगरिज्म चेकर वेबसाइट का नाम कोई दे दीजिए, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। मैं दो तीन नाम जाओगे तो मैं दे देता हूं, वहां भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। थोड़ा सा जाके चेक करोगे बहुत सारे, ऐसा कुछ नहीं है जो एक ही दो है। मतलब मैं एक दो और दे देता हूं, जब आप इस वेबसाइट्स पे जाओगे तो वहां आपको पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। थीसिस मोटा नहीं हो तो चलेगा, क्वालिटी हो। क्वालिटी नहीं होगी थीसिस की कोई मायने नहीं। अब जब आप इसको टाइप करोगे, क्योंकि समय भी खत्म हो रहा है, मैंने बहुत समय ले लिया आप लोगों का, टाइप जब आप इसको करोगे तो ऑब्वियसली हम लोग A4 पेपर यूज करते हैं, डबल साइड करना होगा आपको टाइप। ठीक,
सिंगल भी आप कर सकते हैं, मगर ये आपको विभागाध्यक्ष महोदय से बात करके करनी होगी, क्योंकि आपका रेगुलेशन कहता है डबल। वैसे सॉफ्टवेयर के हिसाब से सिंगल डबल कोई भी चलेगा। मार्जिन कम होगा। विश्वविद्यालय का जो 2017 का जो अधिनियम है पीएचडी रेगुलेशन, वो जरूर आप लोग देख लें, क्योंकि इसमें कैसे टाइप होगा, क्या क्या स्टैंडर्ड्स होंगे, ये बहुत सारी चीजें हैं, आप लोग इसको जरूर से देख लें। मैंने रेगुलेशंस के बारे में बता ही दिया है, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं जिसके तरफ थीसिस लिखने से पूर्व आप लोगों को जानना होगा। एक बहुत जरूरी चीज मैं कहने भूल गया था, वो मैं बता दे रहा हूं। एवरी सिक्स मंथ, एवरी छह महीने पे, प्रत्येक जब आपका थीसिस साइनोप्सिस ओके हो जाएगा, आप थीसिस का काम स्टार्ट कर लोगे, तो एवरी सिक्स मंथ, मैं रिपीट कर रहा हूं, प्रत्येक छह महीने पे आपको डिपार्टमेंट में गाइड के सामने, इन प्रेजेंस ऑफ गाइड, गाइड भी आपके रहेंगे। अगर विभागाध्यक्ष कहते हैं डिपार्टमेंट आओ, ठीक है, विभागाध्यक्ष कहते हैं नहीं आप ऑनलाइन लोग, वो सरकार निर्णय है, वो उनका एक अधिकार है, जैसे वो आपको कहें। आपको एक प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाना होगा, मतलब जब आपने आज शुरू किया काम, छह महीना आज से काम शुरू हुआ, एक आपको रिपोर्ट विभागाध्यक्ष को देना होगा, जो मैं अगले छह महीने में थीसिस पे क्या क्या काम करूंगा, और छह महीने के बाद फिर आपको एक रिपोर्ट देनी होगी, जो मैंने जो टारगेट लिया वो पीछे के छह महीने में मैंने क्या किया और आगे मैं क्या करूंगा छह महीने में। ये सारी चीज जब आप प्री पीएचडी वाइवा में जाएंगे वहां चेक होगा। इस रिपोर्ट पे गाइड और आपका हस्ताक्षर मस्ट है, क्योंकि अगर गाइड और आपका हस्ताक्षर नहीं हुआ तो ये रिपोर्ट वैलिड नहीं है। जैसा कि मैंने जर्नल में कहा, आप विभागाध्यक्ष से बात कर लें कि सर मुझे जर्नल में गाइड का नाम देना है कि नहीं देना है, वो डिसाइड करेंगे, वो डिसाइड करने वाला मैं या यदुवीर सर नहीं है, वो लोग डिसाइड करेंगे, सीनियर लोगों का काम है। आपको फिर उस हिसाब से अपनी थीसिस तैयार करनी है, ठीक है। किसी से और कुछ पूछना हो, एक दो प्रश्न पूछ लें, एक बारे में अगर एक ही आदमी बोले, जो पूछना चाहते हैं एक एक करके ही पूछें, अन्यथा हम सभी को अनम्यूट करेंगे, जिसको अनुमति देंगे वही पूछेगा, क्योंकि वो अब व्यवस्था हो जाती है। सिनॉप्सिस शुड बी क्वालिटी बेस्ड, दैट शुड बी क्वालिटी बेस्ड, ओके सर, एवरीथिंग शुड बी ऑन क्वालिटी बेस्ड। नेक्स्ट नरोत्तम सर, आपका मोबाइल नंबर मिल सकता है क्या? रोशन जी, कोऑर्डिनेटर महोदय का नंबर है ना? नहीं है मेरे पास, किसी का नंबर नहीं है, मैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी नहीं जुड़ा हुआ हूँ सर। नहीं, आप कोऑर्डिनेटर सर का नंबर लेके व्हाट्सएप। श्रीमान, यूनिकोड क्या होता है? यूनिकोड बताया जाए, एक एक करके एक बार में एक बोलते हैं दूसरे चुप हो जाते। रोशन जी, जी सर, आप कोऑर्डिनेटर महोदय से बात करके सर का नंबर ले लें, वही मेरा भी नंबर चाहे तो दे दें। मेरा नंबर से बहुत फायदा होगा नहीं आपको, क्योंकि सर हर एक चीज में सर फायदा नुकसान नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, तो भाई मैं भाई, ठीक है, आपका नंबर मिल सकता है सर। मेरा नंबर ले क्या करोगे आप सर? सर होगी ना आपसे, अच्छा जरूरत होगी, मिल जाएगी नंबर, नंबर आप प्लीज, ठीक है, दे दीजिए। और हाँ, एक प्रश्न आया था, यूनिकोड क्या है? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था ऐसा प्रश्न। यूनिकोड एक ऐसा फॉन्ट बनाया गया है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा,
ये माइक्रोसॉफ्ट का है। इससे पहले जितने फॉन्ट्स हैं वो हम लोग इंडियंस ने अपने हिसाब से डिजाइन कराए। जब सारे बन गए तो एक दिक्कत ये होने लगी हम लोगों के साथ, जो किसी में कौ पूरा लिखाता है, किसी में कौ के साथ छोटा लाइन ऊपर जो रहता है वो छोटा रहता है, किसी का बड़ा हो जाता है, किसी का मोटा हो जाता है, किसी का पतला हो जाता है, तो सिमेट्री नहीं आती थी। माइक्रोसॉफ्ट को एक ऐसा फॉन्ट बनाना था जो इंग्लिश, चाइनीज, जापानीज, हिंदी, संस्कृत सबके लिए एक ही कीबोर्ड हो। आप लोगों ने अगर कहीं टाइपिंग किया देखा होगा, नया टाइपिस्ट रहा होगा तो आपने देखा होगा वो स्टिकर लगा के काम करता है। कुछ लोगों ने, आप लोगों ने देखा भी होगा, संभवतः ना भी देखा हो। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ने जो हमें सॉफ्टवेयर दिए हैं वो आपके कंप्यूटर में पहले से हैं, ये याद रखिएगा। अगर पायरेटेड वर्जन आपका सॉफ्टवेयर विंडोज नहीं है, उसमें दो फायदे हैं। पहला, आप इंग्लिश टाइप कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप ऐसे हैं जिनको हिंदी नहीं आती है या टाइप करनी नहीं आती है, जैसे मुझे नहीं आती है हिंदी टाइप करनी, मगर मैं हिंदी थोड़ा बहुत आप टाइप कर लेता हूं, मैं क्या करता हूं, जैसे मेरा नाम है नरोत्तम, NAROTTAM, मैं लिखता हूं इंग्लिश में और टाइप होता है हिंदी में। अगर मेरे तरह कुछ लोग आप लोगों में से होंगे जिनको सिर्फ इंग्लिश थोड़ी बहुत आती होगी, हिंदी में एकदम टाइपिंग में बेजोड़ हो, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं, जैसे हमारे यदुवीर सर हुए, रिसाव सर हुए, बहुत लोग ऐसे हैं, हेलो, जो लोग प्रॉपर उस कीबोर्ड पे टाइप कर लेते हैं, अच्छा टाइप। मगर ये फॉन्ट है ये माइक्रोसॉफ्ट का, ये याद रखिएगा। आपके कंप्यूटर में कंट्रोल पैनल में, इंग्लिश करने दीजिए, कंट्रोल पैनल में लैंग्वेजेस में आप हिंदी कीजिएगा तो ये आपका कोड शुरू हो जाएगा। कुछ नहीं है, कंट्रोल पैनल खोलिएगा, लैंग्वेजेस में जाइएगा, वहां आपको कहेगा ऐड कीबोर्ड, वहां हिंदी लेके मूव कर जाइएगा। और चूंकि वेबसाइट या कोई भी चीज इंटरनेट पे आप हिंदी में टेक्स्ट पढ़ते होंगे, अगर वो पीडीएफ में नहीं है तो वो यूनिकोड में टाइप है आज के डेट। इसीलिए चूंकि इसकी जांच भी होनी है, इसीलिए कहा जाता है यूनिकोड में टाइप करें। कहां मिलेगा वो भी मैंने बता दिया। आगे कोई और? सर, ये हेलो चंदन जी। सर, जैसे हम लोग जो है सो कुछ भी टाइप करते हैं तो गूगल हिंदी इनपुट जो होता है वो कंप्यूटर में ऐड है, उसमें इंग्लिश से हिंदी लिख लेते हैं, यूनिकोड से फॉन्ट को जो है सो हम टेक्स्ट कॉपी करके उसको वहां पे ऐड कर लेते हैं, तो उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई आप अगर गूगल में टाइप करते हैं, गूगल में जाके सीधा हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करके आप करते होंगे, आप उसको जब कॉपी पेस्ट कीजिएगा तब वो आता होगा मंगल फॉन्ट में, आप देखिएगा कॉपी पेस्ट करके, वो यूनिकोड है, वो यूनिकोड है। एक बार गुरुजी पीडीएफ जो मैं पूछ रहा हूँ, एक बार जो आपने बताया था कि पीडीएफ तीन चार भाग में डिवाइड करना है, एक तो पहला उसका जो प्रारूप होगा उसके लिए एक पीडीएफ, फिर अध्याय के लिए एक पीडीएफ, और फिर आपने एचओडी और इत्यादि बताया था, कुल मिला के कितने पीडीएफ का निर्माण करना पड़ेगा? देखिए, उसमें पीडीएफ का जो निर्माण होगा ना, जैसे कवर पेज मेन हुआ, सर्टिफिकेट अलग हो गए, कंटेंट अलग हो गए, प्रश्न नहीं पूछना हो तो म्यूट कर दीजिए, प्रश्न नहीं पूछना हो तो म्यूट कर दीजिए। अगर आपने उसने वो किया, मतलब चैप्टर्स अलग हो गए, अगर आपने एक में 10 चैप्टर कर लिए, ठीक, तो कवर पेज, सर्टिफिकेट, कंटेंट्स, इन सब का तो अलग रहेगा ही। अगर आपके 10 चैप्टर हैं तो 13 चैप्टर हो जाएंगे। वो आप कितना चैप्टर लिखते हो, कितना चैप्टर का आप
को कहा जाता है आपके गाइड द्वारा, विभागाध्यक्ष द्वारा, विभागीय परिषद द्वारा, कितने चैप्टर के लिए, उस हिसाब से आपका पीडीएफ बनेगा। हर चैप्टर का अलग पीडीएफ बनेगा, मैं सिर्फ यही कह रहा हूं। एक में सब दे दीजिएगा वो नहीं होगा, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता जो 5 PDF दे दो, 10 PDF आप दे दो, नहीं। इट डिपेंड्स ऑन योर चैप्टर्स, आप कितने चैप्टर यूज कर रहे हो, कितने चैप्टर का लिख रहे हो। जी 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 ठीक है, आगे सर। सर जैसे हम हाँ, एक चंदन जी बाद में, चंदन जी बाद में। Redmi 9 नाम आपका नहीं, आप बोलिए। एक आदमी हाथ किसी ने उठाया है, बोलिए। सर मैं दीपक बोलिए दीपक हाँ, जी बोलिए। हाँ सर, ये जो आपने बताया था वैंकूवर स्टाइल, जहाँ यदि हम किसी कहीं से रेफरेंस लेते हैं तो वो ये जो एक दो ऊपर में लिखते हैं ना, ये कैसे होता है, ये थोड़ा बताना है। वर्ड में जब आप टाइप कीजिएगा, टाइप कीजिएगा वर्ड में, उस वर्ड को सेलेक्ट करके सुपर स्क्रिप्ट कर दीजिएगा, हो जाएगा। अच्छा सुपर स्क्रिप्ट। सर जनरल इफेक्ट क्या है सर, जनरल इफेक्ट? पार्डन, जनरल इम्पैक्ट क्या है? जर्नल का जो इंडेक्सिंग होता है ना, जितने भी जर्नल्स हैं हम लोगों के पास, जितने भी जर्नल हम लोगों के पास है, सबका इम्पैक्ट फैक्टर होता है और इंडेक्सिंग होता है। ठीक है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे जर्नल की जांच होती है, उस हिसाब से इसको किया जाता है। ठीक है, तो अगर इम्पैक्ट फैक्टर है तो कितना इम्पैक्ट फैक्टर, मतलब उस जर्नल को कितने लोग रेफर करते हैं, उस जर्नल के टेक्स्ट को कितने लोग सर्च करते हैं, कितना लोग उसको रेफरेंस देते हैं। इम्पैक्ट फैक्टर की पत्रिकाएं संस्कृत जगत में नहीं है, नहीं है, साइंस नया इंडेक्सिंग वाली है, अभी आपकी आ गई, इंडेक्सिंग वाली आपकी आ गई, कम है मगर बहुत कम है। इसीलिए मैंने सर कह दिया यूजीसी रेफरीड जर्नल, डेफिनेटली इसीलिए मैंने रेफरीड जर्नल यूज किया कि मुझे पता है जो इम्पैक्ट फैक्टर की जर्नल एक है, शायद एक या दो आया है नया में, अखिलेश मुझे बता रहा था, मगर बहुत नहीं है, एक ही दो, मगर यूजीसी रेफरीड जरूरी है। रिसर्च पब्लिश्ड कब करना है? पेपर आवाज कट रही है लोकेश जी, आपका रिसर्च पब्लिश कब करना है? रिसर्च पेपर पब्लिश कब करना होता है? थीसिस के समय में, बीच में आप कभी भी कीजिए, वो आपके गाइड डिसाइड करेंगे, आप डिसाइड करोगे, इसका कोई सा टाइम फ्रेम नहीं है कब आपको करना है। मैं थीसिस से पहले हो जाना चाहिए सब कुछ, प्री पीएचडी भाई वाले पर। गुरु जी जो सेमिनार पहले हो कर लिया है हम लोगों ने, वो सेमिनार इसमें काम आ सकता है कि इस शोध के अंतराल में सेमिनार करना पड़ेगा? महोदय क्या शोध के ही बीच में हमको सेमिनार अटेंड करना है? हाँ बिल्कुल, सर जैसे हम लोग सेमिनार एक दो अटेंड किए हुए हैं, लेकिन वो विषय कुछ और था, तो क्या वो विभाग अध्यक्ष बताएंगे आपको, ये उनका एक अधिकार है, इस पर मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। गुरुजी मेरा प्रश्न था कि शोध जो हम लोगों ने पहले जो ये कर लिया है सेमिनार, ये शोध के अंतराल में देना पड़ेगा या पहले का भी सेमिनार किया हुआ चल सकता है? रेगुलेशन के हिसाब से अंतराल में होना चाहिए, वैसे ये विभागाध्यक्ष डिसाइड अंतिम करेंगे, ये पहले कह दिया जो गैजेट के हिसाब से अंतराल में होना चाहिए, गैजेट के हिसाब से। एक्सक्यूज मी सर, ये जो वर्कशॉप है वो दो करना है और अपने विषय का ही करना होगा या किसी भी विषय में होगा तो उसमें कर सकते हैं हम? नहीं,
मैंने पहले ही कहा ना, जब व्याकरण के स्टूडेंट का पेपर दे दिया वो नहीं होता है। नहीं तो मान लीजिए आपने ये भी कहा कि किसी साहित्य में आपके विषय से टॉपिक उस पर दे सकते हैं। हाँ, टॉपिक सब ले लीजिए। ये सारा पावर एचओडी सर के पास, गाइड के पास है, ये सारा पावर उनके पास, ये सारा पावर। थैंक यू सर। अस्तु, तरी आज की कक्षा यही समाप्त होगी। मुझे लगता है और किसी के डाउट से यदि हैं तो। गुरुजी, एक प्रश्न हमारा भी है। यदुवीर सर, आपका नंबर मिल सकता है क्या? मेरा नंबर किसी मिल से सकता भी ले है? हाँ जरूर जरूर, बाद में आप संपर्क कर लीजिए। नरोत्तम गुरुजी सर मिल नहीं पा रहा है, 3 दिन से कोशिश कर रहा हूँ सर। आप यूनिवर्सिटी आइए, ले लीजिए नंबर। मैं सहरसा में हूँ सर। सहरसा में है? अच्छा, हाँ मैं वहाँ नहीं हूँ सर। आपको ये लिंक किसने दिया है आपको? ये तो विभागाध्यक्ष से रेणुका मैडम से मिला था सर। सुनिए, उन्हीं से मेरा नंबर ले लीजिएगा, ठीक है? अच्छा ठीक ठीक सर, ठीक 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 है। आज की कक्षा बहुत ही शानदार रही है, बहुत ही मजेदार सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग रही। कई लोगों ने लिखा भी है कि आपकी कक्षा बहुत अच्छी रही, इसलिए नरोत्तम मिश्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग आपकी कक्षा से प्रभावित हुए और बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने चर्चा की है। जी जी जी। जैसे कि सारांश में अगर कहा जाए तो आपकी 10% तक चोरी मान्य है, उससे अतिरिक्त होने पर आपकी सजा हो सकती है, आपका थीसिस कैंसिल हो सकता है, आपको शोध के दौरान संबंधित विषय में 2 शोध पत्र प्रकाशित करने होंगे, सेमिनार करने होंगे, हर 6 माह में आपको रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी होगी, इत्यादि इत्यादि। आपकी जो फॉन्ट होगी वो यूनिकोड में होनी चाहिए, इत्यादि उन्होंने महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की है, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इस विषय से संबंधित मैं महोदय से निवेदन करूंगा कि 4 प्रश्न वो मुझे भेज दें, जिससे मैं गूगल फॉर्म के माध्यम से आप लोगों को आधे से 1 घंटे के अंदर में एक गूगल फॉर्म किसी व्हाट्सएप ग्रुप में भेजूंगा और उसको आप 2 घंटे के अंतराल में, 2 घंटे के बीच में ही उसे भर करके भेज देंगे, जैसा कि आप पहले भेजते आए हैं, क्योंकि वही गूगल फॉर्म भरना ही आपकी उपस्थिति का प्रमाण है, इसके अलावा हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। 2 घंटे के अंदर आप गूगल फॉर्म भरेंगे, वही उपस्थिति मानी जाएगी। बाद में कक्षाओं की समाप्ति के अनंतर हम कैलकुलेशन करेंगे कि कितनी कक्षाओं में आपकी उपस्थिति रही है। 75% होगी आप परीक्षा के लिए अनुमन्य होंगे, 75 से कम होगी तो फिर उसके लिए आपको दूसरी जगह दौड़ना पड़ेगा, कई विभागाध्यक्ष जी के पास में, या फिर डीन के पास में, या कुलपति के पास में, या किसी नेता के पास में, या राजभवन के पास में, यहाँ दौड़ धूप करनी पड़ेगी। इसलिए अच्छा है कि आप लोग 75% उपस्थिति के लिए जागरूक रहें, ठीक है? तो आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वेषां मंगलम। सर 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 सर, प्रणाम प्रणाम सर, नमो नमः सर। नमो नमः गुरुदेव सर। नमाम में हम नमो नम। यदुवीर सर जी, बोलिए बोलिए सर। मैं पहली कक्षा से ही उपस्थित रहा हूं, लेकिन मेरा मोबाइल नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ा हुआ है सर। कोई बात नहीं, अभी तीसरी कक्षा है, 3 दिन अनुपस्थित होने पर भी 75% उपस्थिति से ऊपर ही रहेगी। आप हम पे मैसेज कीजिए, हम आपको गुरु जी का नंबर दे देंगे। गुरु जी तो बंद कर देंगे लाइव को, आप मेरा नंबर लिख लीजिए ना थोड़ा, 91-22-19-92-92। आप रेणुका जी से मेरा नंबर लेके बात करिए ना, आप फिर से बोल दें। ठीक सर ठीक।